और अब खबर राहुल गांधी की, जो आम लोगों से जुड़ने के लिए अलग अलग अंदाज में नए नए राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अमृतसर में श्री हरमिंदर साहब पहुंचे। राहुल गांधी ने अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के दिन स्वर्ण मंदिर में दर्शन किए। राहुल के दौरे को विरोधियों ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चाताप करार दिया। राहुल गांधी सिर पर नीले पटका पहनकर हरमिंदर साहब पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर में के गर्भगृह में माथा टेका। माथा टेकने के बाद राहुल ने लंगर हॉल में बर्तन सेवा की। सेवादारों के साथ बैठकर भक्तों को प्रसाद परोसने वाले कटोरी बर्तन धोए। राहुल के हरमिंदर साहब दौरे पर कांग्रेस ने एक वीडियो भी ट्वीट किया। राहुल गांधी के स्वर्ण मंदिर दर्शन और सेवा कार्यक्रम को कांग्रेस ने निजी बताया। अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने इसे इंदिरा और राजीव गांधी से जोड़ दिया। राहुल गांधी जी हरमंदिर साहब नतमस्तक होने के लिए आए हैं। उनकी दिल की ख्वाहिश है सिर्फ भक्त के पले की अरदास के लिए आए। कांग्रेस की तरह नहीं जिन्होंने आज जेड़े नतमस्तक होने वास्ते आ रहे हैं जीएस नहीं आया नु उन्होंने लेकिन उम्मीद करती है इतने आके याद जरूर करेंगे किहो जा कुफर उन्होंने गांधी जी ने इतने किया किहो जा उन्होंने पिता जी ने इस कौम के उत्ते किया ये भी ध्यान रखना जरूर।